नया साल आ गया मगर हरियाणा में भ्रष्टाचार के मामले हैं कि थमते नहीं। आज एक तरफ सीएम खट्टर ने जनसंवाद कर भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की बात कही तो वहीं दूसरी ओर कुरुक्षेत्र में विजिलेंस ने महिला थानेदार को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ उधर दबोचा। दरअसल दहेज उत्पीड़न मामले में एक आरोपी का नाम रफा दफा करने के लिए आरोपी एएसआई ने छुट्टी पर होने के बावजूद रिश्वत मांगी थी, जिस पर विजिलेंस पुलिस करनाल कुरुक्षेत्र की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मामले को लेकर शिकायतकर्ता रणधीर सिंह ने बताया कि उसके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का एक झूठा मामला दर्ज करवाया गया था, जिसमें उसके पिता का नाम हटवाने की एवज में सरला देवी ने 30,000 रिश्वत की मांग की। 25,000 में लेकिन सौदा तय किया गया था। मेरे खिलाफ झूठा दहेज का, मेरे पेरेंट्स के खिलाफ झूठा दहेज का मुकदमा दायर किया था थाने से, यही लोकल पिपली सदर, जो सदर थाने से थाना है। उसके बाद जो मेरी आई थी उन्होंने मुझसे पैसे मांगे मेरे माँ बाप का नाम कटवाने के लिए, तो आज मैंने ये जो हमारा ये विजिलेंस डिपार्टमेंट है इनकी मदद से मैंने आईओ को कितने पैसे की डिमांड हुई, किस तरह मांगे, क्या 30,000 मुझसे मांगे थे, 30,000 मांगे थे। पर कौन मांगने वाले कौन थे, किसने, आईओ थे हमारे जो आईओ, क्या नाम था, सरला मैम। तो विजिलेंस को सूचना किस तरह हुआ था, मैंने सूचना दी थी विजिलेंस को, फिर विजिलेंस ने मुझे कॉर्पोरेट किया और मुझे बताया। तो पैसे देते किस तरह, विजिलेंस डिपार्टमेंट नहीं पकड़ा है उनको, मैंने बाय कैश दिया था उनको, कैश देते ही वैसे ही पकड़ लिया था उन्होंने। कहाँ की घटना है ये? यही सेक्टर्स की है, 5 की। हमारे पास कोई मुकदमे के संबंध में उसके पिताजी का नाम निकालने के लिए और 25,000 रुपए की डिमांड करी थी, जिसको आज हमने 25,000 रुपए में रंगे हाथ पकड़ा। अक्यूज़ कौन है, कहाँ के अक्यूज़ पर रहे हैं? अक्यूज़ एएसआई है यहीं से, कुरुक्षेत्र से। हाँ जी, क्या नाम है? सरला। रिकवरी हुई है, रनिंग प्रोग्राम? हाँ जी। ऑन ड्यूटी थी या किस तरह? नहीं, ऑन ड्यूटी नहीं थी। हाँ जी। कितना अमाउंट, कितना? 25,000 रुपए। तो कहाँ से रन आउट किया? वहीं विजिलेंस निरीक्षक बिमला देवी ने कहा कि शिकायत मिली थी कि एएसआई शिकायतकर्ता के पिता का नाम निकलवाने की एवज में 25,000 की रिश्वत मांग रही थी। वो ड्यूटी पर नहीं थी, लेकिन उससे 5 से घूस ली गई राशि समेत रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। विजिलेंस निरीक्षक का कहना है कि मामले को लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रौर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।